आप सभी का स्वागत है ओनली न्यूज नेशन में। बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी को लेकर। जी हां, पीएम मोदी ने फिर विरोधियों पर लगाया करारा तमाचा। भारत ने फिर से रचा इतिहास। जी हां, मोदी ने इस उपलब्धि से विपक्ष को कहीं ना कहीं जलन होने वाली है। जी हां, जैसे जैसे पीएम मोदी देश को संबोधित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष जलता नजर आ रहा है। जी हां, आज हम आपको पीएम मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। बस आपसे अनुरोध है, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए। चलिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ। जी हां, पीएम मोदी को मिलेगा एक और अंतरराष्ट्रीय सम्मान। वैश्विक ऊर्जा व पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से होंगे सम्मानित। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है। अगले हफ्ते उन्हें एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के दौरान सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री को ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिद्वंद्विता के लिए सम्मान मिलेगा। विश्व के प्रमुख ऊर्जा सम्मेलन के 1-5 मार्च के बीच वर्चुअली आयोजित होगा। यह इसका 39वां संस्करण होगा। पहली बार इसका पूरी तरह से वर्चुअल आयोजन होगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। कार्यक्रम के आयोजक IHS मार्केटिंग ने इसकी जानकारी हमें दी है। सम्मेलन में प्रमुख वक्ताओं में जलवायु के लिए अमेरिकी विशेष राष्ट्रपति दूत जॉन कैरी, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष और ब्रेकथ्रू एनर्जी के संस्थापक बिल गेट्स और सऊदी अरमाको के CEO अमीन शामिल हैं। IHS मार्केट के वाइस चेयरमैन और कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डेनियल येरिगिन ने भी कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को देख रहे हैं। देश और दुनिया के ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सतत विकास में भारत के नेतृत्व का विस्तार की प्रतिद्वंद्विता के लिए उन्हें सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करने को लेकर प्रश्न है। डेनियल येरिगिन ने आगे कहा कि भारत आर्थिक विकास, गरीबी कम करने और नए ऊर्जा में भविष्य की दिशा में अपना रास्ता बनाने में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण का केंद्र बनकर उभरा है। बता दें कि इस वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ऊर्जा उद्योग से बड़े विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी और नीति निर्माता समेत अन्य लोग इसमें शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई वैश्विक सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी कई वैश्विक सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। इससे पहले वह सऊदी अरब के ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला, सऊदी अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमीन से सम्मानित हो चुके हैं। अमन उल्लाह खान फिलिस्तानी के ग्रैंड कॉलर पुरस्कार यूई का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयू पुरस्कार, मालदीव के निशान इजुद्दीन पर्यावरण के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, दक्षिण कोरिया के सियोल शांति पुरस्कार, अमेरिका के लिए फिलिप कोटलर प्रोडिएशनल और बेहतरीन का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान द किंग ऑफ रेनेसा से भी सम्मानित हो चुके हैं। ये थे पीएम मोदी की वो उपलब्धियां जिससे आज विपक्ष कहीं ना कहीं तिलमिला उठेगा। खबर में बस इतना ही। खबरों में आगे बने रहने के लिए जुड़े रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें TV पे देखा, लेकिन अब
हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।